नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया त्रिकालपुर के प्रधान पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गढ़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा त्रिकालपुर गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के तमाम योजनाओं पर धांधली की जा रही है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दिया गया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग चाहते हैं उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने और हमारे ग्राम सभा में जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी। मेरा नाम विनोद कुमार जी, जी क्या मामला है यहाँ का, थोड़ा विधि बताइए, क्या है दिक्कत है यहाँ का? सर, यहाँ मनरेगा में धांधली हुई है और जो लोगों का नाम नहीं है, मनरेगा में कार्य नहीं करते हैं, कहीं कार्यरत हैं, कहीं स्कूल वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों का भी नाम मनरेगा में चला है और पैसा भी उनका पेड हुआ है। इस चीज़ को मैंने ऑनलाइन द्वारा निकाला है और निकाल को उसको रखे हैं हमें। जी, कि कई आपने और क्या समस्या है? सर, ये यहाँ पे जैसे कि लैट्रिन शौचालय भी बना है, उसमें भी धांधली हुई है। क्या धांधली हुई है? धांधली सर, पैसे का बंदर बाट बना है। कुछ लोगों का पैसा शौचालय बना है और कुछ लोगों का पैसा आधा आधे आधे प्रधान को दे दिए, ले लिया, आधा आधे उनको दे दिया। वो लोग बोलने के लिए राजी नहीं है। जी जी, और क्या धांधली हुई है? और कुछ ऐसे काम भी हुए कहीं गांव में, खड़ंजा है, नाली है, जिसका हमने जन सूचना अधिकार के तहत मांगने की कोशिश किया, अभी तक आज तक उसकी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम जी, आपने सूचना किसी अधिकारी को आपने दिया? खंड विकास अधिकारी को दिया था और ग्राम पंचायत अधिकारी को दिया था। क्या कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या जिलाधिकारी का संज्ञान इस मामले को है? जिलाधिकारी को मेरे एक दोस्त है रविकांत उपाध्याय, उन्होंने भी अपने नाम से एप्लीकेशन दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? सर, इस पर गांव में एक बार जांच हो, उससे जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रविकांत उपाध्याय है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। जी, क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव में मतलब भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है यहाँ पर। जी, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है आपके गांव में? यहाँ पर नरेगा से जो भी मतलब पैसा हो जाता है, मतलब काम नहीं हुआ है, कल पैसा निकला हुआ है। मतलब शौचालय पर भी मतलब हर साल 2000 रुपये मतलब ग्राम प्रधान लिया हुआ है। जी, 20000 रुपये हर किसी मतलब लाभार्थी से ले रहा है। जी जी, तो ये जो धांधलियाँ हुई हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं शौचालय पे, आवास पे और बहुत सारी चीज़ों पे, तो इसकी जानकारी आप किसी को दिए हैं? किसी का संज्ञान में किसी को इसकी जानकारी आपने दिया है? हाँ, जन सूचना अधिकार के तहत मैंने हमारा ब्लॉक पे मुख्य विकास अधिकारी ब्लॉक पे दिया है, फिर मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ दिए हैं, फिर लखनऊ भी मतलब दिए हैं सचिवालय में, वहाँ से हमको मतलब रिटर्न भी एक आया है कागज, उस हिसाब से क्या बताया अधिकारियों ने आपको? अभी तक आपको जो आपने सूचना भेजा था जन सूचना अधिकार के तहत, उसके तहत आपको कोई सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुआ? तो क्या चाहते हैं आप अपने ग्राम सभा में? हम चाहते हैं कि मतलब जो भी काम हो मतलब अच्छे से हो, जो भी भ्रष्टाचार हो मतलब बंद हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे गांव, अपने गांव में इसकी जानकारी के तहत जांच बैठे और इसका पूर्ण रूप से इसकी कार्रवाई हो? जी, मतलब आपके हिसाब से इस गांव में धांधली हुई है? हाँ। और इसकी जांच आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। सर, मेरा नाम स्वामीनाथ है, मैं त्रिकालपुर गढ़वार बलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि जो मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है, उस मनरेगा के तहत में न हम और न मेरा परिवार मजदूर वर्ग नहीं है, और हमारे नाम से मतलब कि मनरेगा का पैसा 16,100 रुपये मतलब कि उतारा गया है। ये तो खाता आप में पैसा आया होगा, तो वो किस उतार लिया? नहीं, ऐसा है कि वो खाता भी हमें नहीं बताया गया, खाता भी हमारे पास नहीं है, मनरेगा में नाम भी हमारे पास नहीं है, न सूचना दिया गया है। वो नाम करवाया प्रधान,
पैसा उतारा प्रधान। पैसा तो खाते में आया होगा ना? खाते में आया होगा लेकिन हमारे खाते में नहीं आया। वो खाता मतलब कैसे वो मतलब कि वो उस पैसे को उतारा ये हमें समझ में नहीं आता। समझ जिसकी जानकारी आपने किसी को दी? नहीं ये तो आज जो है आज जब चार्ट लिस्ट आया तो हमने देखा कि हमारा नाम और हमारे बीवी का नाम जो है कि उसमें संलग्न है और हमारे नाम पर 16,000 कुछ 100 रुपये उतारे गए हैं तब हमें अचंभा हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि ये जो सरकारी संपत्ति है उसका दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी जो संपत्ति है जो लाभार्थी है उसको नहीं मिल पाता है और सरकारी पैसे का शोषण करके हैं और गरीबों का शोषण किया जा रहा। हमारा नाम हीरा लालपुर प्रधान जी। यहाँ क्या मामला है प्रधान जी? हमारे यहाँ बस्ती में ही पहला मामला ये है कि एक इंटरनेट पर दिखाई दे रहा कि यहाँ मेन खरंजा से सड़क से और जयराम के घर तक ये डमरू इंट का सोलिंग फिर यहाँ से दिखाई दे ब्रह्मदेव के घर तक मेन खरंजा से वो भी नहीं हुआ है। फिर मैंने वहाँ गणवार सुखपुरा मार्ग से दुर्गाराम के घर तक दिखाई इंटरनेट पर दिखाई दिया रहा है कि मैंने डमरू ईंट बिछाया गया है लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सभी नालियों पर जो पहले का बनाया गया है उस पर मैंने पैसा उतारा गया है ये मैंने हम लोग इंटरनेट से उतारे हैं जी। और क्या धांधली हुई है? और ये आवास से लेकर के और लैट्रिन तक सब में धांधली हुआ है जी। जी आपने जानकारी आपने कहीं किसी अधिकारियों को आप लोगों ने दिया है? बहुत लोग एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ जी। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मैंने सही जांच हो जाए और सही पात्र जो है उसको आवास मिले चाहे जो भी काम हो गरीबों को ही मैंने दिया जाए। बताइए प्रधान जी और क्या प्रॉब्लम है? हमारे गांव में जब से ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है उसके बाद से ग्राम पंचायत की एक भी बैठक नहीं हुई न कोई कार्य योजना के लिए बैठक हुई और न एक भी खुली बैठक भी नहीं। किस कार्य योजना से कैसे कहाँ से कार्य हो रहा है किसी मेंबर किसी सदस्य को किसी गाँव के सदस्यों को कोई पता नहीं। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।